नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके तो आई हूँ मठरी की रेसिपी, लेकिन इतना खस्ता मठरी आज से पहले आपने ना तो बनाया होगा ना तो खाया होगा। आज जो मठरी बनाऊंगी बिल्कुल अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी। यकीन मानिए, आप एक बार इस मठरी को बना लेंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर ली हूँ मठरी के लिए 1 कप गेहूँ के आटा। तो फ्रेंड्स, ये मठरी को आप मैदे के साथ भी बना सकते हैं। यदि मैदे में बनाते हैं तो मठरी का कलर थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा बनेगा। तो आपको पसंद है मैदा खाना तो आप पूरा ही मैदा से बनाइएगा, नहीं तो आप आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा गेहूं का आटा ही ली हूँ। अब चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ कि मठरी को आज बनाना कैसे है। खस्ता एकदम मठरी बनेगा और ना ही बेलने का झंझट है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। सिर्फ इसका बनाने का जो तरीका है वो अलग और बिल्कुल अलग मसाले के साथ आज बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मठरी बनाने के लिए ले रही हूँ एकदम जमा हुआ घी। तो जो घर का छोटा सा चम्मच होता है उससे 3 चम्मच घी को फ्रिज में डाल दी थी, अच्छे से नाप के 3 चम्मच घी को, जिससे कि घी हमारा जम चुका है। जम जाने के बाद घी आपको कम लग रहा होगा। अब घी को थोड़ा सा हमें फेंटना है, अच्छे से फेंट के इसे थोड़ा सा चिकना करना है, क्रीमी टेक्सचर इसका करना है, जिससे जो घी में दाना होता है ना, दाना को बिल्कुल ख़त्म करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, जैसा अपने घर में सब्जी बनाती हूँ, हमारे यहाँ कैसा सब्जी बनता है, यदि आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंड चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, मैं डाल दूंगी वीडियो चैनल का लिंक, और नहीं तो आप रानी किचन स्टार के नाम से सर्च कीजिए तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, घी और तेल दोनों जो है हमारा बहुत अच्छे से फिट चुका है और हल्का हो चुका है। अब इसमें डालना है हमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, क्योंकि आज जो है एकदम खस्ता परतदार कसूरी मेथी फ्लेवर वाले मठरी बना के दिखाऊंगी, जो कि चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, 1 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके डालें। चाहे तो आप हल्का सा इसे गर्म भी कर सकते हैं तवे पर, तो और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है निखर के आता है। अब मेथी को भी अच्छे से घी के साथ एक बार हमें फेंट लेना है। फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हमें बाकी के मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले आधा छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डालना है। अब आटा जितना है उसके अनुसार से सारे मसाले डाल रही हूँ। आप आटा या मैदा जो कुछ ले रहे हैं तो आप देख लेंगे कि कितना ले रहे हैं, तो उस अनुसार से आप डालिएगा। लाल मिर्ची का पाउडर इसमें डाल दी हूँ। इसके साथ इसमें डालना है धनिया पाउडर। ये सब मसाले आप ज़रूर डालिएगा। 2 चुटकी के जितना हल्दी पाउडर इसमें डालना है, साथ ही में थोड़ा सा जीरा भी डालना है, थोड़ा गरम मसाला इसमें डालिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डालना है हमें थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी कि 1 चुटकी, और सफ़ेद तिल, 1 चम्मच भर के डालिए। इसका बहुत ही अच्छा क्रंच आता है मठरी के अंदर, और ये खाने वाला सोडा है, तो बस 1 चुटकी डालना है। देखिए कुछ इस तरीके से, और सारे मसाले को फिर से वापस से एक बार मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल देती हूँ 1 चुटकी के जितना हींग। हींग आपको फ्लेवर पसंद है तो ही डालिए, नहीं पसंद है तो आप छोड़ दीजिए, हींग मत डालिए। अब सारे मसाले को मिक्स करना है अच्छे से। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और एक बार इस तरीके से आप गेहूं के आटे के मठरी बना लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितना टेस्टी बना था मठरी। अब देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें जो आटा है, गेहूं का आटा, उसे हमें छान के लेना है। तो चलिए छन्नी पर डाल के अच्छे से छान देती हूँ। छानने से क्या होता है, जो आटा में इस टाइप का कुछ गुठली गुठली सा होता है तो वो अच्छे से छन जाता है।
और पैकेट में जो आटा आता है फ्रेंड्स, उसका मठरी या नमक पारे बहुत अच्छा बनता है। अब 2 चम्मच इसमें डाली हूँ सूजी, जिससे कि यह खस्ता बनेगा, क्योंकि गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा में आपको चाहे चावल का आटा या सूजी थोड़ा ज़रूर ऐड करने हैं, तभी जाके ये खस्ता बनेगा आपका मठरी। अब क्या करना है कि अच्छे से हमें मसाला और घी तेल के साथ इसे मोइन करना है, और जब तक आप अच्छे से इसे मोइन नहीं कीजिएगा तब तक ये खस्ता नहीं बनेगा। आपको दिखाती हूँ कि इतना में हमारा जो मोइन है एकदम सही हो पाता है या नहीं। आप घी के जगह पे चाहें तो पूरा ही तेल डाल सकते हैं, लेकिन जब आप घी डालिएगा तभी मठरी जो है एकदम खस्ता बनेगा। देखिए, जब इस तरीके से आप मुट्ठी बनाते हैं तो आटा हमारा बहुत अच्छे से बंध रहा है, तो इसी तरीके से आपको मोइन करना है। देखिए फ्रेंड्स, तो 4 चम्मच आप घी और तेल दोनों मिला के 4 चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, जो घर में छोटा वाला चम्मच होता है, और ये आटा जो है करीब 250 ग्राम है। अब आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी डालना है, बस थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें और भी सामग्री डालना है हमें, तभी तो ये मठरी खास है। तो देखिए, मैं बड़ा आगे थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा पहले इसे करने दीजिए, उसके बाद आपको इसमें क्या डालना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 2 चम्मच के जितना इसमें पानी डाली हूँ। अब इसमें हमें डालना है नमक, क्योंकि नमक अभी तक मठरी में नहीं डाली हूँ। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए, नमक आप पहले भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें हमें डालना है 1 चम्मच भर के मलाई, जो दूध के ऊपर से मलाई निकलता है वही वाला मलाई है, तो 1 चम्मच भर के इसमें डाली हूँ। देख पा रहे हैं, दूध नहीं डालना है, सिर्फ उसका मलाई ही इसमें डालना है, दूध ज़रा सा भी नहीं डालिए। और अच्छे से हमें मलाई के साथ आटा को मिक्स करना है, और 1 चम्मच इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाली हूँ, और मोयन डाली हूँ, और मलाई डाली हूँ, और अच्छे से पहले आटे को मिक्स कीजिए। यदि आटा सूखा सूखा सा आपका लगे तो इसमें 1/2 चम्मच पानी और डालिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिए, क्योंकि जैसे जैसे मलाई जो है मेल्ट होगा, आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब थोड़ा देर इसे ढक के छोड़ना है, जिससे कि सूजी इसमें जो है सूजी फूल जाएगा। आटा को अभी बिखरे हुए छोड़ दी हूँ। देखिए, अब 5 मिनट हो चुका था, अभी आटा को हमें थोड़ा सा सेट करना है। देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है, बहुत कम पानी इसमें डाली थी। अब आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। और इसका बनाने का तरीका कैसे है, कैसे इसे बनाना है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है, तो चलिए वो भी आपको दिखा दूँ। अब आटा हमारा सेट हो गया है, देखिए कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसे टाइट भी नहीं रखना है। इसमें क्रीम जो है ना दूध वाला, वो बहुत अच्छा इसका खस्तापन लाएगा मठरी में, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब छोटा छोटा सा इस तरीके से आपको तोड़ लेने हैं लोई। मठरी आपको कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, उस हिसाब से आप अपने पसंद से इसका गोला बना सकते हैं। अब एक मठरी के बॉल्स को नीचे रखना है, और अंगूठे से दबाते हुए इसका शेप देना है। देखिए फ्रेंड्स, अंगूठा से चारों तरफ से दबाइए, देखिए किनारे हल्का मोटा है और बीच में बिल्कुल पतला कर दी हूँ। इसी तरीके से अंगूठे से दबा दबा के हमें सारे मठरी को बना लेना है, और इतना सॉफ्ट है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, झटपट से ये मठरी बन के तैयार हो जाता है। बीच में पतला करना और किनारे हल्का मोटा ही रखना है, और किनारे जो फटा फटा है ऐसा ही रखना है, बिल्कुल इसे चिकना नहीं करना है। सारे मठरी बनने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे से आपको होल्स कर देने हैं। इससे क्या होता है कि मठरी हमारा अंदर तक पकेगा, क्योंकि गेहूं का आटा का है और थोड़ा मोटा भी है, तो इससे तेल ऊपर तक आएगा और मठरी हमारा पक के बहुत खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड्स, तेल को एकदम कम गर्म करना है और इसमें मठरी को डालना है। देखिए, तेल को चेक कर ली हूँ, देख पा रहे हैं तेल कितना कम गर्म है, और गैस के आंच को भी कम ही रखना है, और इसमें मठरी डालिए। आप मठरी को पैन में बना रहे हैं तो बहुत सारा मठरी आपका एक बार में आ जाएगा, और इस तरीके से आप छोटे बर्तन में बना रहे हैं तो 4-5 करके एक बार में आप इसे फ्राई कीजिए। आराम से एक तरफ से पकने दीजिए, जब एक तरफ से पक के हल्का सा तेल आपको लगे कि ज़्यादा गर्म हो चुका है, तब मठरी को दूसरे तरफ से पलटना है।
और टाइम दे के आपको मठरी को पकाना है अलट पलट करते हुए एकदम खस्ता होने तक और इसका कलर अच्छा सा आने तक, लाल करना है मठरी को पकाते हुए, तभी जाके ये खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड्स उतना बड़ा वीडियो आपको दिखाऊंगी तो ऐसे तो वीडियो इतना बड़ा हो जाता है तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप समझ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मठरी में कलर हमारा आ चुका है, जितना जल्दी आपको दिखाई हूँ इतना जल्दी ये मठरी नहीं पकता है, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आँच कम रहता है और इसे अंदर तक खस्ता होने तक पकाना होता है। तो इसी तरीके से सारे मठरी को बना के तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स जब मठरी पूरा अच्छे से ठंडा होगा तब आप इसे स्टोर कीजिएगा, ये ठंडा भी थोड़ा सा टाइम लेके होगा। देखिए किनारे में कितना अच्छा सा खस्तापन आपको देख के ही लग रहा है, और थोड़े किनारे से मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, और देखिए ये कितना खस्ता है। जब आप इसे इस तरीके से तोड़ते हैं तो पूरा एकदम बिस्किट के जैसे हो जा रहा है। अच्छा लगा होगा फ्रेंड वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की अच्छी अच्छी से रेसिपी की वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज़ लेके आती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ।